ये 0.7 एम्पीयर ले रहा है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग स्लो रह रहा है। तो अब हमें इसका फास्ट चार्जिंग कैसे फिक्स करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल आया है सैमसंग इन्फिनिक्स S5 मोबाइल है। इसमें सबसे पहले चार्जिंग का प्रॉब्लम था, चार्जिंग जैक इसका वाटर डैमेज था, तो हमने इसका जैक चेंज किया। अब चेक करते हैं कि ये चार्ज कितना ले रहा है। ये 0.7 एम्पीयर ले रहा है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग स्लो रह रहा है। तो अब हमें इसका फास्ट चार्जिंग कैसे फिक्स करना है। अब सबसे पहले हमें इसको किसी के साथ कनेक्ट करना है कि क्या ये इसका DPDM ओके है कि नहीं। तो चलो किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। USB डिवाइस रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है इस पर, तो ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम DPDM से है। तो चलो चेक करते हैं कि DPDM में कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। ये चार्जिंग स्लो का मसला हमारा मोस्टली DPDM से ही आता है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा है और यहाँ पर जवाब आ रहा है। यहाँ पर हमारा जवाब आ रहा है, यहाँ पर जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है हमारा कौन सा ब्रेक है। ऊपर और ऊपर बोर्ड में चेक करते हैं। सबसे पहले बर्न पे चेक ले, हमारा DPDM लाइन हम लोगों के USB DPDM USB DPDM USB DPDM ठीक है, डेटा प्लस डेटा माइनस। तो हमारा हम दोनों हम यहाँ पर ग्राफ चेक करेंगे ये कौन सा। यहाँ पर हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, जहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ये है हमारा डेटा माइनस, डेटा प्लस चेक करते हैं। हाँ डेटा प्लस चेक कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल डेटा प्लस हमारा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये लाइन हमारा कहाँ गया डेटा माइनस, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, तो अक्सर हमारा ये रजिस्टर ओपन होने से हमारा प्रॉब्लम आता है। हमारा जो आते हैं बिटमैप फोल्डर हमें हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर हमारा जो मिल जाएगा और यहाँ पर जो आएगा। अब यहाँ पर हमने जो चेक करने के, यहाँ पर हमारा जो आते हैं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये 1.6 एम्पीयर का दे रहा है, जूम करके ये 1.7 का भी ले रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा फास्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। हमारे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।